हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स जानिए अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स बुयंसी और टैक्स इलास्टिसिटी के बारे में। दोस्तों, ये जो दोनों टर्म है, बुयंसी और इलास्टिसिटी, दोनों का सामान्य अर्थ एक जैसा है, इसलिए बहुत बार स्टूडेंट टैक्स बुयंसी को टैक्स इलास्टिसिटी समझ लेते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसी कन्फ्यूजन का फायदा उठाकर यहाँ से अक्सर सवाल भी पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं टैक्स इलास्टिसिटी के बारे में कि टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, फिर जानेंगे टैक्स बुयंसी के बारे में। दोस्तों, टैक्स इलास्टिसिटी का मतलब है कि जब टैक्स रेट में परिवर्तन किया जाता है तो टैक्स रेवेन्यू में क्या परिवर्तन होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कॉरपोरेट टैक्स 30% है, जिससे सरकार को साल भर में 3 लाख करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। यानी जब कॉरपोरेट को अपनी आय का 30% कर के रूप में चुकाना पड़ता है तो सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए के बराबर कॉरपोरेट टैक्स की वजह से आय की प्राप्ति होती है। अब मान लिया जाए कि कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से बढ़ाकर 35% कर दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार के टैक्स रेवेन्यू पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे में 3 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पहला कि टैक्स रेवेन्यू पहले जितना ही रहे, उसमें ज्यादा परिवर्तन ना हुआ हो। दूसरा कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ गया हो। और तीसरा कि टैक्स रेवेन्यू घट गया हो। अब यदि कॉरपोरेट टैक्स की दर में 5% की वृद्धि के बावजूद टैक्स रेवेन्यू में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को ना मिले तो हम कहेंगे कि कॉरपोरेट टैक्स इनइलास्टिक है, बेलोस्तार है। तब इसका मतलब होगा कि टैक्स रेट में परिवर्तन करने का कोई विशेष फायदा सरकार को नहीं हुआ है। वहीं दूसरी और तीसरी स्थिति में हम कहेंगे कि कॉरपोरेट टैक्स इलास्टिक है, लोचदार है, क्योंकि टैक्स रेट में परिवर्तन करने पर टैक्स रेवेन्यू में भी परिवर्तन हो रहा है। अब एक स्थिति यह भी हो सकती है कि टैक्स रेट में 5% की वृद्धि कर दी जाती है और टैक्स रेवेन्यू में भी 5% की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि टैक्स इकाई लोचदार है, कॉरपोरेट टैक्स यूनिट इलास्टिक है। अब यदि टैक्स रेट में 5% परिवर्तन करने पर टैक्स रेवेन्यू में 5% से अधिक वृद्धि हो जाए या फिर कमी हो जाए तो हम कहेंगे कि टैक्स इलास्टिक है, लोचदार है। चलिए अब जानते हैं कि टैक्स बुयंसी क्या है। दोस्तों, टैक्स बुयंसी देश के टैक्स रेवेन्यू और जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच संबंध की व्याख्या करता है। यानी टैक्स बुयंसी इस बात का अध्ययन करता है कि जीडीपी में परिवर्तन होता है तो टैक्स रेवेन्यू में क्या परिवर्तन होता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी साल जीडीपी में 8% की वृद्धि हुई, जबकि उसी साल टोटल टैक्स रेवेन्यू में 24% की वृद्धि दर्ज की गई। यानी जीडीपी में पिछले साल के मुकाबले इस साल 8% की वृद्धि हुई, जबकि टोटल टैक्स रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले इस साल 24% की वृद्धि हुई। तब टैक्स बुयंसी इज इक्वल टू चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, विच इज इक्वल टू 24/8=3 होगा। यहाँ टैक्स बुयंसी 3 के बराबर है। दोस्तों, जब भी टैक्स रेवेन्यू में परिवर्तन जीडीपी में परिवर्तन से अधिक होगा तो हम कहेंगे कि टैक्स बुयंट है। टैक्स बुयंसी जितनी अधिक होगी, जीडीपी में वृद्धि के मुकाबले टैक्स रेवेन्यू में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि अगर किसी वर्ष टैक्स बुयंसी 5 हो और जीडीपी में 5% की वृद्धि होती है तो टोटल टैक्स रेवेन्यू में 5×5=25% की वृद्धि होगी। दोस्तों, टैक्स बुयंसी और टैक्स इलास्टिसिटी में बस इतना ही, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।